फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। दोस्तों आज मैं आपके साथ ऐसे पे लिखी गई सबसे पॉपुलर और शानदार किताब रिच डैड पुअर डैड की हिंदी समरी शेयर करने वाला हूँ। वैसे हो सकता है कि आपने इस बुक के बारे में पढ़ा हो या किसी से इस बुक के बारे में सुना। अगर आप नहीं भी जानते होंगे कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आज आपको रिच डैड पुअर डैड की किताब के बहुत ही खास बातों के बारे में बताने वाला हूँ। जब आप इस बुक को ध्यान से अंत तक सुनेंगे और पढ़ेंगे तो मेरा यकीन है कि आप सभी के मुंह से एक ही शब्द निकलेगा कि वाह भाई मजा आ गया, क्या बुक थी। दोस्तों इसका कारण ये है कि इस बुक में बताया गया है कि अमीर लोग ऐसा क्या करते हैं कि जो वो और भी ज्यादा अमीर बनते जाते हैं, और गरीब लोग ऐसा क्या करते हैं कि जिससे वो गरीब ही रह जाते हैं। आज से ही आपका पैसे के बारे में नजरिया बदल जाएगा और आप एक नए नजरिए से सोचने लग जाएंगे। रिच डैड पुअर डैड आपको क्यों पढ़नी चाहिए। रिच डैड पुअर डैड बुक अब तक की सबसे बेस्ट सेलिंग बुक में से एक है और ये किताब पैसे के अहमियत को बताती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि पैसे की अहमियत तो हमें भी पता है। जी हाँ दोस्तों, पैसे की अहमियत आप भी जानते होंगे, लेकिन बारीक सा और छोटा सा अंतर होता है जो इस किताब के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से उदाहरण के माध्यम से समझाया है कि पैसा क्या है और अमीर कैसे बना जा सकता है। इस किताब से आप सीखेंगे कि हमें पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि पैसे से अपने काम करवाने चाहिए। तो दोस्तों रिच डैड पुअर डैड किताब को रॉबर्ट कियोसाकी जी ने लिखा हुआ है और ये किताब एक मोटिवेशनल फाइनेंशियल सेल्फ हेल्प और लाइफ चेंजिंग बुक है। जी हाँ दोस्तों, मैं ये बात हवा में नहीं कह रहा बल्कि एक सच्चाई है। रिच डैड पुअर डैड बुक आपकी ये मिथ को तोड़ती है कि अमीर बनने के लिए ज्यादा पैसा कमाना जरूरी है, और ये साबित करती है कि आपका घर कोई संपत्ति नहीं है। और माता पिता को ये बताती है पैसे के बारे में, उनके बच्चों को स्कूल में कुछ भी नहीं सिखाया जाता है, इसलिए उन्हें स्कूल के भरोसे नहीं रहना चाहिए। इसके साथ ही सबको ये साफ साफ बताती है कि संपत्ति क्या है और दायित्व क्या है, और ये बुक ये बताती है कि भविष्य की आर्थिक सफलता के लिए अपने बच्चों को क्या सिखाएं, और सबसे बड़ी बात ये है कि दौलतमंद बनने की असली कुंजी क्या है। इस बारे में भी इस किताब में समझाया गया है और इस बुक को अकाउंटिंग से रिलेटेड में सबसे फेमस बुक माना गया है। माता पिता अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, लेकिन स्कूल में कई साल गुजारने के बाद भी बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन की शिक्षा नहीं दी जाती है। उन्हें सिर्फ नौकरी का सुरक्षा पाठ पढ़ाया जाता है और उन्हें पैसों से अपने खुद के लिए कैसे काम करवाया जाए ये नहीं सिखाया जाता। और ये किताब आपको ये सब बताती है कि अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब और मिडिल क्लास वाले अपने बच्चों को नहीं सिखाते हैं। रिच डैड पुअर डैड किताब पेरेंट्स के लिए भी है, क्योंकि पेरेंट्स ही बच्चों के सबसे पहले गुरु होते हैं। बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के फंडों को समझने के लिए यह बुक समरी आपको जरूर सुननी चाहिए। इससे आपको बाजार की ओर पैसों की प्रैक्टिकल समझ मिलेगी, जिससे आपका आर्थिक जीवन बदल सकता है और आप अपने जीवन में ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों इस ऑडियो बुक समरी को हम चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। चैप्टर 1, सबसे पहले जानते हैं कि इस बुक के लेखक ने इस बुक का नाम रिच डैड पुअर डैड क्यों रखा। ये बुक उनके पर्सनल अनुभव पे आधारित है और वो इस बुक में कहते हैं कि उनके दो पिता थे, एक गरीब पिता और एक अमीर पिता। उनके गरीब पिता बहुत पढ़े लिखे थे और कड़ी मेहनत करते थे और ज्यादा सैलरी वाली नौकरी भी उनके पास थी, लेकिन फिर भी तंगी हाल में ही रहते थे। उनकी पूरी कमाई घर के खर्चे और लोन को चुकाने में ही चली जाती थी। जब रॉबर्ट अपने पिता के किसी चीज की मांग करते थे तब उनके पिता से हर बार ये जवाब सुनने को मिलता था कि पैसे क्या पेड़ पे लगते हैं। वही जब लेखक ने अपने करीबी दोस्त माइक के पिता को देखा तब उन्होंने ये देखा कि दोस्त के पिता अमीर थे और उनका एक बड़ा सा बिजनेस था, लेकिन उनके पास किसी भी कॉलेज की डिग्री नहीं थी, फिर भी वे आर्थिक रूप से संपन्न थे। तो ऐसा क्यों था? क्योंकि दोस्तों इसका कारण था लेखक के पिता के पैसों के बारे में घिसी पीटी विचारधारा। जबकि लेखक के दोस्त के पिता एक अमीर मानसिकता वाले सोच वाले इंसान थे, उनकी पैसों के बारे में सोच बहुत अलग थी, जिसके कारण वे उस शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। लेखक ने इस बात को गहराई से समझा और उन्होंने रिच डैड यानी कि दोस्त के पिता के फाइनेंशियल एडवाइज को फॉलो करना शुरू किया।
चैप्टर नंबर 2 रिच डैड पुअर डैड किताब की कहानी लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के अनुभव के ऊपर आधारित है। इस किताब में वे अपने दो पिताओं के बारे में लिखते हैं, जिनमें से एक उनके असली पिता हैं, जिनको उन्होंने पुअर डैड का नाम दिया है, और दूसरे उनके मुंह बोले पिता हैं, जो उनके जिगरी दोस्त माइक के पिता हैं, जिनको उन्होंने इस किताब में रिच डैड का नाम दिया है। दरअसल उनके असली पिता बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे हैं और हार्ड वर्किंग इंसान भी हैं, जो पेशे से एक टीचर होने के नाते फाइनेंशियल काफी कमजोर हैं। इसलिए किताब में लेखक ने उनको पुअर डैड कहकर बुलाते हैं। वही उनके मुंह बोले पिता सिर्फ दूनी पास है, लेकिन फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वे अपने शहर के सबसे अमीर आदमी होते हैं। इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी जी उनको किताब में रिच डैड कहकर बुलाते हैं। इस पूरी कहानी में रॉबर्ट के रिच डैड उन्हें उनकी जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पे 30 साल तक 6 ऐसी अहम शिक्षाएं देते हैं, जो कि लाइफ में कामयाबी हासिल करने के लिए, अमीर बनने और हमेशा अमीर बने रहने के लिए बहुत जरूरी है। रिच डैड का कहना था कि स्कूल की पढ़ाई आपको अच्छे ग्रेड दिला सकती है, पर लाइफ की पढ़ाई आपको बहुत कुछ सिखाती है। पढ़ाई लिखाई तो जरूरी है, मगर सिर्फ इसके भरोसे बैठकर कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है। इसीलिए रिच डैड कहते हैं कि अगर आपको जिंदगी में अमीर और सुखी जीवन जीना है तो आपको पैसे की समझ होनी चाहिए। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि मेरे दोनों डैडी इरादों के पक्के थे, चमत्कारी और प्रभावशाली थे। उन्होंने मुझे सलाह दी, परंतु उनकी सलाह एक जैसी नहीं थी। दोनों भी शिक्षा पे बहुत जोर देते थे, परंतु उनके पढ़ाई के विषय अलग थे। लेखक कहते हैं कि उनके सिर्फ एक ही पिता होते तो उनकी सलाह को मान लेना या ठुकरा देते, पर उनको सलाह देने वाले दो थे और दोनों के विचार विरोधाभासी थे, एक गरीब आदमी का और एक अमीर आदमी का। लेखक यहाँ कहते हैं कि मैं दोनों के विचारों पर सोचता था और तुलना करने के फिर कुछ फैसले किया करता था। पैसे के बारे में दोनों के विचार अलग अलग थे। रॉबर्ट कियोसाकी यहाँ पे उदाहरण देकर समझाते हैं कि पुअर डैड कहते थे कि पैसा सभी बुराइयों की जड़ है, और रिच डैड कहते थे कि पैसों की कमी होना ही सभी बुराइयों की जड़ है। पुअर डैड को हमेशा यह कहने की आदत थी कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, वही रिच डैड कहते थे कि मैं इसे नहीं खरीद सकता हूँ। ऐसे बोलने के बजाय मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, यह बोलते थे। उनका कहना था कि जब आप बोलते हैं कि मैं इसे नहीं खरीद सकता या मैं ये नहीं कर सकता, तब आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक बोलिए। जब आप बोलते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, तब आपका दिमाग काम करना शुरू कर देता है। लेखक गरीब डैडी कहते थे कि बेटा तुम मेहनत से पढ़ो ताकि किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, और अमीर डैडी कहते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिले। गरीब डैडी का कहना था कि जहां पैसे का सवाल हो वहां सुरक्षित कदम उठाओ, खतरा मत उठाओ, और अमीर डैडी का कहना था कि खतरों का सामना करना सीखो। यहां लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कह रहे हैं कि दोनों की शिक्षा और ज्ञान को वो महत्वपूर्ण मानते थे, परंतु क्या सीखा जाए इस बारे में दोनों की राय अलग अलग थी। एक डैडी कहते थे कि पढ़ाई में कड़ी मेहनत करो और अच्छी नौकरी करो, और दूसरे डैडी उन्हें कहते थे कि अमीर बनने का रहस्य सीख लो। लेखक के अमीर डैडी बार बार कहते थे कि मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, बल्कि पैसा मेरे लिए काम करता है। जब लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की उम्र 9 साल की हो गई, तब उन्होंने फैसला किया कि वे अमीर डैडी की सलाह मानेंगे और उन्होंने बताए गए रास्तों पे चलेंगे, और यहां से लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की पढ़ाई शुरू हो गई। और इस पढ़ाई के दौरान उन्होंने 6 सबक सीखे और उनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके वो अमीर बन गए। थैंक यू दोस्तों, ये थे आज के ऑडियो बुक समरी। दोस्तों इसके पार्ट 2 में हम जल्दी मिलेंगे, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए।